नांदेड़ के बरकतपुरा नई ईदगाह कमान के सामने वाघी रोड पर महाराष्ट्र एल्युमिनियम वर्कशॉप का इफ्तिताह अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब में मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद यासीन, ओवेस खान, एडवोकेट बिलाल, मोहम्मद दानिश के अलावा मौजूद शख्सियात ने शिरकत की और महाराष्ट्र एल्युमिनियम वर्कशॉप के प्रोपराइटर शेख फैसल शेख रशीद को मुबारकबाद पेश की। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानान का शेख फैसल और शेख रशीद ने इस्तकबाल किया। महाराष्ट्र एल्युमिनियम वर्कशॉप में एल्युमिनियम विंडो, एल्युमिनियम पार्टीशन, डोर, स्टील रेलिंग, फाइबर डोर और ग्लास कॉटन के काम किए जाते हैं। वागी रोड पे आज महाराष्ट्र एल्युमिनियम वर्क का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे सभी सामान मिलेंगे, वर्क होंगे। तारीख 1 फरवरी 2022 को नई ईदगाह बरकतपुरा के पास महाराष्ट्र एल्युमिनियम वर्क्स का इफ्तिताह हुआ है और यहाँ के जो ओनर्स हैं राशिद और फसी भाई, इनके यहाँ महाराष्ट्र एल्युमिनियम वर्क्स में जो है एल्युमिनियम विंडो, पार्टीशन, डोर्स वगैरह का काम किया जा रहा है। हमारे सारे ग्रुप की तरफ से जो है यहाँ पे शेख राशिद और शेख फैसल को हम लोग सारे मुबारकबाद पेश करते हैं। आज हम यहाँ महाराष्ट्र एल्युमिनियम वर्क्स की ओपनिंग में आए थे। हमारे अजीज़ दोस्त शेख फैसल शेख राशिद, इन्होंने नई शॉप की ओपनिंग की है। यहाँ पर हर एल्युमिनियम के खिड़कियाँ, दरवाजे, डोर वगैरह का बहुत अच्छे तरीके से फिनिशिंग के साथ काम किया जाता है और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार इनको मौका दे और इनके शॉप पर आए, विज़िट करें और इनके हाथ से एक बार काम करके देख। और मैं और ये शॉप नहीं क्या बरकतपुरा खड़ा वागी रोड ईदगाह के कमान के सामने है, यहाँ पर आप एक बार आए। और मैं सभी दोस्तों की तरफ से इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज ईदगाह रोड पे, नई ईदगाह रोड पे और ये बरकतपुरे के इलाके में महाराष्ट्र एल्युमिनियम वर्क्स का इफ्तिताह अमल में आया। एक बहुत ही शानदार दुकान यहाँ पर ख़याम पज़ीर हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों ही नौजवान बड़ी ही जद्दोजहद के बाद इस मुकाम पर पहुँचे हैं और इतनी दुकान को उन्होंने शुरू किया है। तो मैं उनके ख़ानदान को और उन्हीं दोनों नौजवानों को बहुत ही दिल की मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मुसलमान कारोबार में इस तरीके के मामलात में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया।